इंडिया में और टोटल इंडिया में हम पंचायत इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन और लोकसभा इलेक्शन तीनों भी कंटेस्ट करेंगे, मगर हम ये नहीं कहेंगे कि कहाँ कर रहे हैं। जहाँ हम इंचार्ज बनाएंगे उनके ऊपर डिपेंड रहेगा, वहाँ से लोग आएंगे और कंटेस्ट करेंगे। और हमारी पार्टी की पॉलिसी भी मैंने बता दिया है, कोई भी पैसों का एक्सपेक्टेशन करके हमारे पार्टी में ज्वाइन मत करिए कि इससे ये मिल जाएगा, उससे वो मिल जाएगा। अगर तुम ये सोचकर आएंगे तो करप्शन यहाँ से ही शुरू हो जाएगा, और हम करप्शन को मिटाने आए हैं तो करप्शन यहाँ से ही शुरू हो जाएगा। तो आप आइए, अपनी गरीबी की हैसियत से भी आप ग्राउंड लेवल पर काम करके आप बनिए। हम टिकट देंगे आपको, आप मजबूर मजलूम तबके से ही, मगर हम आपको एमएलए की टिकट देंगे। वैसी से एक शिकायत यहाँ के लोगों को रही कि आपने कोई सोशल वर्क नहीं किया, कोई लोगों के बीच में काम नहीं किया, कोई कैडर तैयार नहीं किया, लेकिन आपने 100 लोगों को मैदान में उतार दिया। तो क्या आपकी जो पार्टी है पहले कोई इस तरीके का एक मैकेनिज्म हो कि कम से कम कुछ कैडर बने, कुछ लोगों के बीच में थोड़ा बहुत काम हो, या आपका काम जो है उसी को इंट्रोड्यूस किया जाए, क्या इस तरीके कुछ होगा? क्योंकि अचानक जब आप किसी के पार्टी के बारे में कमेंट्स नहीं करना चाहती, हर पार्टी अपनी पॉलिसी पे काम करती है, हर पार्टी की अलग अलग पॉलिसी है, वो अपने अलग अलग पॉलिसी पे काम करती है, तो मैं उन पार्टियों पे कमेंट करना नहीं चाहती, मगर मेरी पार्टी के पॉलिसीज में बता सकती हूँ। मेरी पार्टी की पॉलिसी ये है कि सबसे पहले वो ग्राउंड लेवल पे काम करे, और ग्राउंड लेवल पर काम करके हमारा एक टारगेट है उसको रीच करके वो बताए, तो वो टिकट के लिए अप्लीकेबल होंगे, नहीं तो अप्लीकेबल नहीं होंगे। और हमको वोट लेना ही मकसद नहीं है, उनकी जुबान और जस्टिस के लिए फाइट करना मकसद है। अगर कोई खड़कर हार गया तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो हार गया है, वो नाइंसाफी चलती है तो खड़ा होकर वो बात कर सकता है, क्योंकि वो एक देश का नागरिक है, मगर उस नागरिक को भी हम जो है प्रमोट करने की कोशिश की, जो दबा हुआ तबका है, हम सियासत में आ ही नहीं सकते इतने करोड़ के बगैर, इतने बजट के बगैर, इतने बड़ी मालदारी के बगैर। या तो बाप दादा सियासी होना चाहिए जब ही आना चाहिए, मगर मैं चाहती हूँ कि देश एक नेचुरल अंदाज में आ जाए, कि जैसे आप नॉर्मली बैठे हुए हैं कि आप एमपी लगे, जैसे एक टी शर्ट पहनकर, एक पैंट पहनकर नॉर्मली बंदा बैठा हुआ है वो एमएलए रहे, एक मामूली साड़ी पहनकर औरत खड़ी है वो एमएलए रहे, यानी एक नॉर्मल इंसान उसको आराम से मिल ले, आराम से एक्सेस कर ले उसको, या वो देखते ही भागने लग जाए किलोमीटर, ऐसा ना कि हम लोग एक सुकून वाली पार्टी, पीस वाली पार्टी। ये लोग आज लड़ाई झगड़े सुन सुनकर थक चुके हैं, कोई उन पर गाली दे रहा है, कोई उनको गाली दे रहा है, यहाँ उनको वो लड़ाने की कोशिश कर रहा है, इनको ये लड़ाने की कोशिश कर रहा है। मैं लड़ाई को खत्म करना चाहता हूँ, लड़ाई को खत्म करके हम सब एक हैं, जो जीत गया वही राजा है, वो पब्लिक के हाथ में है, जनता के हाथ में, तुम क्यों लड़ रहे हो? हाँ, तुम अपनी पॉलिसी को बयान करो, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं हिंदुस्तान को सुना बना दूंगा, मैं हिंदुस्तान को ये कर दूंगा, मैं हिंदुस्तान को, तुम जो बोलना वो बोलो, क्योंकि तुमको इजाजत है बोलने की, क्यों तुम आने की बात करेंगे? मगर मुझे किसी पर कमेंट करने का बिल्कुल पसंद नहीं। हमारे कार्यकर्ता भी आगे ऐसे ही रहेंगे कि वो किसी पार्टी को बुरा भला बोलना, हाँ कोई पार्टी बुरा करती है तो एविडेंस के साथ लीगल फाइट करें। ये एक बुराई 100 जगह फैलाना नहीं, बुराई जहाँ होती है वहाँ पर ये करके हम आराम से पीस से काम करेंगे, और बगैर बोले मुझे उम्मीद है कि करोड़ों के वुमेन्स हमारी पार्टी में ज्वाइन करेंगे, करोड़ों के भाई ज्वाइन करेंगे, करोड़ों के बहनें ज्वाइन करेंगे, और काफी आर्मी में जो रिटायर हो गए थे वो खुद ही मेल कर रहे हैं अब कि हमको एमईपी में ज्वाइन करना है, क्योंकि आपने आर्मी का एक प्रोग्राम करके हमारे दिल को जीत लिया। किसी बड़े बिजनेसमैन ने आर्मी का प्रोग्राम नहीं किया, और जब यूरी अटैक हुआ तो तुमने 5-स्टार होटल में उनकी फैमिलीज को फ्लाइट से बुलाकर तुमने एक प्रोग्राम किया, तो ये सबको पता चलता है। आप झूठ कितना भी बोलो वो एक दिन पता चल ही जाएगा, और आप सच थोड़ा भी बोलो वो एक दिन पूरी जमीन पर फैल जाएगा। अपना मकसद छोटा है, मैं ये नहीं कहती हूँ, लोग भी आकर कभी कभी कहते हैं कि ये पार्टी तो बहुत छोटी है, अभी शुरू हुई है, मैं बोलती बिल्कुल अभी पैदा हुई है, चलने के लिए टाइम लग जाएगा, मगर जरूर चलेगी, बड़ी होगी चलेगी, दौड़ेगी, बैठेगी, काम भी करेगी, सब कुछ करेगी, क्योंकि मैं ये नहीं बोलती कि अभी ये बड़ी बुड्ढी हो गई, ये पार्टी छोटी है, पैदा हुई है अभी, हौसला पूरा है, पूरे मुल्क हौसला है, कॉन्फिडेंस है, इंशाल्लाह इतना बड़ा कॉन्फिडेंस है, एक दिन एमईपी हिंदुस्तान पे रोल करेगी, आज नहीं तो कल या परसों या कभी हो, या 100 साल के बाद हो, 50 साल के बाद, इसी सिलसिले में इंशाल्लाह एक दिन रोल करेगी। इसी सिलसिले में सवाल मेरा है कि अभी मुख्तार साहब ने कहा कि आपका क्या ऐसा काम है जिसको इंट्रोड्यूस किया जा सके। अभी एक हफ्ता पहले मेरा जाना हुआ तिरुपति,
जी, वहाँ पे हमने आपके जरिया कायम किया हुआ जो मेरे ख्याल में पूरे हिंदुस्तान में अपनी नवीयत का वाहिद इदारा है। अगर आपके उसी काम को इंट्रोड्यूस कर दिया जाए तो मेरे ख्याल में आपके पॉलिटिकल पार्टी के लिए बहुत सुकून साबित होगा। तो क्या अच्छा उस जैसे इदारे की जी कि हम सबका मानना है किसी कौम की तरक्की के लिए उसका तालीम याफ्ता होना बहुत जरूरी। और आपने जो इदारा कायम किया है वो जैसे इदारे की हिंदुस्तान में बिल्कुल आप जो आपका सवाल तो बिल्कुल सही है। ये इदारा 1998 से स्टार्ट है और इस पर हमने बहुत काम किया। इसमें आज तक 3000 लड़कियां फारिग हुई हैं पढ़ के और माशाल्लाह आलिमियत के साथ उनको डिग्री भी मिलती है और दुनिया भी तालीम कंप्यूटर और वो MBA भी करते हैं और यहाँ तक कि अब नेक्स्ट जाकर उनको लास्ट सब्जेक्ट दिलाने वाली हूँ। जो हालात मेरे ऊपर गुजरे थे उसमें मैंने स्टडी किया तो अब मैं चाहती हूँ कि देश के हर बच्चे को लॉ का इल्म हो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इल्म हो, उनके क्या राइट्स हैं उनके बारे में उसको पता चले। मगर ये चीज़ें मैंने कभी भी दुनिया को दिखाने के लिए नहीं किया, ना पॉलिटिक्स के लिए किया है ना किसी के लिए। मैं सिर्फ अपने रब को दिखाने के लिए और अपने देश की भलाई करने के लिए, अपने देश के बच्चियों की भलाई करने के लिए, खास कर से अपनी कम्युनिटी, जैसे घर से शुरू होता है काम वैसे अपनी कम्युनिटी के जो लड़कियां जो दबे हुए तबके में बैठ गए थे उस तबके को उभारने के लिए और उस तबके में मैं एक इनकलाब लाने के लिए जो है मैंने ये काम किया। अल्लाह ने सक्सेस दिया और अल्हम्दुलिल्लाह जिस दिन मैं ब्लूप्रिंट बना रही थी जो आप देख कर आए हैं उस दिन मुझे मेरे घर वाले, मेरे करीब फैमिली वाले, मेरे रिश्तेदारों ने हंसा है देखकर कि ये ब्लूप्रिंट तो सबको ही बना ले क्योंकि ब्लूप्रिंट बनाने में इतना ज्यादा नहीं लगता है कास्ट, मगर रियल में जब तुम बना के बताओगी, जब मेरी उम्र 16-17 साल की थी जब रियल में बनाकर बताओगी तो जो है ये हम देखेंगे जब। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह उससे बेहतर उससे अच्छा बन गया जो ब्लूप्रिंट था। तो मैं हर काम अल्लाह के भरोसे पे करती हूँ, मैं जिसने मुझे पैदा किया है उस पर भरोसा करती हूँ और मैं कोई बैंक बैलेंसों पे, पैसों पे, लोगों पे, ताकत पे नहीं। मेरी सबसे बड़ा भरोसा, मेरी सबसे बड़ी ताकत, मेरा सबसे बड़ा एम्पावर मेरा परवरदिगार है जो मुझे पैदा किया है। इंशाअल्लाह मैं चाहती हूँ वैसे इदारे हिंदुस्तान के कोने कोने में हो जाए। मैंने हैदराबाद में मेडिकल सिटी को फॉर्म किया और हीरा मेडिकल सिटी के नाम से ऑलमोस्ट वो 2018 में जो मेरे प्रॉब्लम आने से पहले वो ओपन होने वाला था 600 बेड का हॉस्पिटल, उसमें थोड़े कामों की वजह से रुक गया है। अब आइंदा चलकर ऐसे इदारे रहे, मेरी पार्टी को कायम करने का मकसद ही यही है कि मैं एक इदारा बनाकर, एक कॉलेज बनाकर, एक स्टेट के हद तक इस लेवल तक ना रुक जाऊं बल्कि मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल में, कॉन्स्टिट्यूशन लेवल में, स्टेट लेवल्स में और पूरे कैपिटल सिटीज के लेवल्स में जाकर टोटल तालिबे इल्म को, हर तबके के इल्म को एक सेंट्रल लेवल का सब्जेक्ट लेकर आ जाए कि वो सब्जेक्ट ऐसा हो कि वो सब्जेक्ट पढ़ के ही बच्चे का जहन खुल जाए कि अब हम देश को ऐसे चलाना है, देश को रन करना है। तो इस तरह से जो है हम इंशाल्लाह एक बहुत बहुत शुक्रिया आपने। तो ये थी नोएरा शेख साहिबा की जिनसे हम बात कर रहे थे। हौसले काफी बुलंद है, सियासत के साथ साथ अगर देखें तो समाजियात और खास तौर से इल्मी जो एक मूवमेंट है उसको भी ये इसी के साथ लेकर चलना चाहती हैं। हम समझते हैं कि ये एक बड़ा मूवमेंट है। देखना ये है कि आने वाले दिनों में ये जो इन्होंने जो अहद किया है, इनकी पार्टी का जो मंशूर है वो कहाँ तक पहुँचता है और उसकी मंजिल कहाँ होती है। बहुत बहुत शुक्रिया।